हेलो एवरीबॉडी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइंस की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 6, क्लास 10। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत काम की वर्कशीट है, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन, जो ये उपचयन और अपचयन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछा जाता है। चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उपचयन और अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। एक बार समझिए, पहले देखिए, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उपचयन और अपचयन के अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कोयला का हवा में जलना, लोहे में हवा और नमी के कारण जंग लगना, तेल और घी को बार बार गर्म ठंडा करने पर उसमें दुर्गंध आना। हमने देखा है, यदि सीमित समय के भीतर तैलीय भोजन यानी कि ऑयली फूड को उपयोग न किया जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाता है और उसमें गंध आने लगती है। इतना ही नहीं, यह खाने लायक भी नहीं रहता। यह सब तेल और भोजन में जो उपस्थित वसा होती है, यानी वहाँ पर जो ऑयल है, उसके ऑक्सीकरण के कारण होता है, उसके ऑक्सीकरण के कारण ये सब कुछ होता है। उपचयन या ऑक्सीकरण और अपचयन या रिडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। दोनों में फ़र्क क्या है ये देखिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, उससे हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, और इन दोनों के अलावा भी जो चीज़ होती है जिसके कारण आप ऑक्सीकरण या उपचयन का पता लगा सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, नॉर्मली अधातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती ही नहीं, तो धातु जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और वो आयनिक फॉर्म में चली जाती है, एक आयन बना लेती है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ह्रास होता है। जब उसके ऊपर ये पॉजिटिव आयन यानी कि 2 जमा आ जाता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, जब इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ दिए जाते हैं तो वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उसका उपचयन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई सी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन निकलती है और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है आकर, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को कहते हैं रिडक्शन या अपचयन। अब दोनों प्रक्रियाओं में आपको संबंध पता चल गया, उपचयन और अपचयन। अब हम आते हैं, किसी रिएक्शन में कभी कभी उपचयन और अपचयन दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, कॉपर में हमारे पास इस तरफ था कॉपर आयन, यानी कॉपर में 2 पॉजिटिव थे, यानी कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने छोड़ रखे थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर कॉपर ले लेता है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर आयनिक फॉर्म में था और यहाँ जाकर कॉपर पूरी तरह वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि कॉपर यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कॉपर का यहाँ रिडक्शन हुआ है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में था H0, यहाँ पर जाकर हो जाता है H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन ने क्या छोड़ दिया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडाइज। तो ऐसा ही रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण हुआ हाइड्रोजन का और रिडक्शन हुआ कॉपर का, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को ही बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ऐसे रिएक्शंस की जो अभी हमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। हमारी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। पहला है उपचयन और अपचयन में एक अंतर लिखिए। ये हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमारी वर्कशीट में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, उपचयन और अपचयन के बीच में बहुत सारा डिफरेंस दिया हुआ है साफ साफ कि कैसे दोनों में फर्क होता है। तो आप एक नहीं, तीनों अंतर लिखिए और बिल्कुल आराम से लिखिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, जिसमें हमें ये पता लगाना है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है या रिडक्शन हुआ है, यानी उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है। आइए देखते हैं। चलिए बेटा, आप देखते हैं रिएक्शंस। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो रही है रिड्यूस। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन आ गया, यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगले रिएक्शन पर आते हैं, H2 प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन मेक्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ ऐसी फॉर्म में था, 0 फॉर्म में, और यहाँ जाकर हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई चीज क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है,
ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पर ब्रोमीन के साथ क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ था, ब्रोमीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है कंपाउंड ये इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है, तो ब्रोमीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ब्रोमीन हो गया रिड्यूस। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीडाइज और ब्रोमीन हुआ रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चार HCl प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू दो क्लोरीन और दो H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ H प्लस था, Cl यहाँ नेगेटिव था, यानी Cl ने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा था। जब इसमें फोर इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले रखा, यानी अपने चार इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी और यहाँ आकर क्लोरीन जीरो हो जाएगा। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो क्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन में क्या, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ फ्री थी लेकिन इसने यहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि वाटर बनाया, वाटर के लिए इसको क्या चाहिए था, वाटर बनाने के लिए, वाटर ऐसे बनता है 2H और O2 माइनस ऐसे बनता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक हुआ रिड्यूस और एक हुआ ऑक्सीडाइज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ZnO प्लस C यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये वर्कशीट में बेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन मेक्स यू जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कोई काम नहीं कर रहा। जिंक यहाँ पर पॉजिटिव आयन में था और यहाँ पर जाकर फ्री हो गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे ये, या मतलब पॉजिटिव आयन था यानी कमी थी, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये जिंक फ्री हो गया, तो जिंक यहाँ पर हो गया रिड्यूस, रिड्यूस हुआ तो ये कैसा रिएक्शन बन गया, ये बन गया रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद आपकी वर्कशीट पूछती है कि क्या सिल्वर की ब्लैकनिंग होती है, एक बच्चे ने सिल्वर पहनी है उसकी सिल्वर ब्लैक हो जाती है, चांदी की पायल ब्लैक हो जाती है, तो क्या उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है। देखिए बेटा, ये चांदी है, चांदी नॉर्मली ऑक्सीडाइज होती है, या जो कुछ भी कहा जाता है कि वो चांदी खराब हो गई, काली हो गई, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या तो एयर में होता है या आपकी स्किन पर होता है, जिसके कारण चांदी ब्लैक हो जाती है और बनता है सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। ऑक्सीजन यहाँ फ्री था, यहाँ जाकर सल्फाइड बना, तो सल्फाइड नेगेटिव होता है तो ये बना Ag पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लूज हुए, यानी यहाँ पर सिल्वर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर में सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आई होप आपके चारों रिएक्शन ठीक हो गए हैं, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।